Hello student, welcome to online class. So today I am going to teach you lesson 13, come to the garden. Come means आओ to the garden, बागीचे में आओ. आप इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं. आपने क्या पढ़ा कि ब्यूटीफुल इवनिंग होती है और निखिल और नेहा खेल रहे होते हैं और उनके जो दादाजी होते हैं वे क्या कर रहे होते हैं, वॉक के लिए गए होते हैं. उसके बाद क्या होता है, मम्मी और उनकी दादी माँ जो होती हैं वो खाना पका रही होती हैं और भोलू काका जो होते हैं वो उनकी सहायता कर रहे होते हैं. फिर निखिल क्या कहता है, निखिल भोलू काका से कहता है कि चलिए हमारे साथ खेलिए, लेकिन भोलू काका क्या कहते हैं कि वे बिजी हैं, अभी खेल नहीं सकते हैं. इसी दौरान निखिल का जो फ्रेंड होता है रोहन, वो आता है और फिर वे सभी लोग कहाँ चले जाते हैं, गार्डन में खेलने के लिए चले जाते हैं. कौन कौन, निखिल और उसके सारे दोस्त गार्डन में खेलने के लिए चले जाते हैं मम्मी से पूछकर कि मम्मी क्या हम गार्डन में जा सकते हैं, तो मम्मी कहती हैं जाओ लेकिन तुरंत चले आना. इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर गार्डन में वे लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं और गार्डन जो होता है बड़ा और ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है. उसमें घासें होती हैं, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और चिड़िया जो बर्ड्स होती हैं, आप देख सकते हैं कि बर्ड्स जो होती हैं वे बैठी होती हैं शाखाओं पर, ब्रांचेस पर बैठी होती हैं और वहाँ पर कई कलर के कई रंग के फूल भी खिले होते हैं और बच्चे जो हैं चिल्ड्रेन हैं वे प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं. तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. आगे से इस स्टोरी में जो कहानी है आगे कहाँ तक जाती है, आगे क्या क्या होता है, हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. बटरफ्लाईज वेयर फ्लाइंग अराउंड देम. बटरफ्लाईज मीन्स तितलियां. वेयर मीन्स थी, फ्लाइंग मीन्स उड़ रही. अराउंड मीन्स चारों तरफ, दे मीन्स उनके, मतलब कि तितलियां उनके चारों तरफ उड़ रही थी, फ्लाइंग कर रही थी, उड़ रही थी. कौन, तितलियां उनके चारों तरफ फ्लाइंग कर रही थी, उड़ रही थी. वाव, हाउ ब्यूटीफुल, सैड नेहा. हाउ ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एक्सक्लेमेशन वर्ड है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो वाव, हाउ ब्यूटीफुल, सैड नेहा. सैड नेहा, सैड मीन्स कहा, नेहा ने कहा, नेहा ने क्या कहा, वाव, वाह, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर. नेहा ने क्या कहा, नेहा ने कहा वाव, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर. देयर वेयर सम ब्रांचेज इन ए कॉर्नर. देयर वेयर, वेयर मीन्स थे, सम कुछ, सॉरी बेंचेज, बेंच इन ए कॉर्नर, कोने में कुछ बेंचें थी. बेंच होता है ना, आप पार्क में गार्डन में जाएंगे तो कुछ बेंच रखा होता है ताकि लोग बैठ सकें, तो वहाँ पे भी कॉर्नर में कुछ बेंच रखे हुए थे, कुछ बेंच थे. सम पीपल वेयर सीटिंग ऑन देम. सम मीन्स कुछ, पीपल मीन्स लोग, वेयर थे, सीटिंग मीन्स बैठे हुए, ऑन देम उन पर, कुछ लोग उन पर बैठे हुए थे, किन पर, बेंचेज पर, कुछ लोग उन पर बैठे हुए थे, यानी कि कुछ लोग बेंचों पर बैठे हुए थे. सम चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग. सम मीन्स कुछ, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, वेयर मीन्स थे, प्लेइंग मीन्स खेल रहे, कुछ बच्चे खेल रहे थे. सम चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे थे. सम वुमेन वेयर सीटिंग ऑन द ग्रास एंड टॉकिंग. सम वुमेन मीन्स कुछ, सम मीन्स कुछ, वुमेन मीन्स औरतें, वेयर मीन्स थी, सीटिंग मीन्स बैठी हुई, ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास, ग्रास मीन्स घास, घास पर, एंड टॉकिंग, और एंड मीन्स और, टॉकिंग मीन्स बात कर रही थी. मतलब कि सम वुमेन वेयर सीटिंग ऑन द ग्रास एंड टॉकिंग, कुछ औरतें जो थी वे घास, घास पर बैठी हुई और बातें कर रही थी. कुछ औरतें घास पर बैठी हुई थी और बातें कर रही थी. द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स. द गार्डनर, गार्डनर मीन्स माली, वाज मीन्स था, वाटरिंग मीन्स सिंचाई कर रहा था या सींच रहा था, द प्लांट्स पौधों को, माली पौधों को सींच रहा था. द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, माली पौधों को सींच रहा था. कम वी विल प्ले विथ आवर बाल. निखिल सेड. कम मीन्स आओ, वी विल प्ले, वी मीन्स हम, विल प्ले खेलेंगे, विथ मीन्स साथ,
आवर बाल, आवर मीन्स अपने बाल मीन्स गेंद। कम आओ, वी विल प्ले विथ आवर बाल, हम अपने गेंद से खेलेंगे या गेंद के साथ खेलेंगे। निखिल सर, निखिल ने कहा, निखिल ने क्या कहा, कम आओ हम अपने गेंद से खेलेंगे या गेंद के साथ खेलेंगे। ही किक्ड द बाल हार्ड, ही मीन्स वह, किक्ड मीन्स लात मारा, द बाल मीन्स गेंद को, हार्ड मीन्स जोर से। ही किक्ड द बाल हार्ड, उसने बाल मीन्स गेंद को जोर से लात मारा, उसने बाल को जोर से लात मारा, किसने, निखिल ने। द बाल वेंट फार अवे, द बाल मीन्स गेंद, वेंट मीन्स गया, फार अवे, फार अवे बहुत दूर। द बाल वेंट फार, द बाल वेंट फार अवे, गेंद जो था वो बहुत दूर गया। नाउ इट वाज रोहन्स टर्न, नाउ मीन्स अब, इट वाज यह था, रोहन्स मीन्स रोहन का, टर्न मीन्स। नाउ इट वाज रोहन्स टर्न, अब रोहन की बारी थी। ही किक्ड द बाल, ही मीन्स वह, किक्ड मीन्स लात मारा, द बाल मीन्स गेंद को, वह गेंद को लात मारा। द बाल वेंट हाई अप इन द स्काई एंड लैंडेड एमिड्स द बूसेज, द बाल मीन्स गेंद वेंट गया हाई अप ऊंचा, ऊपर ऊंचाई पर, इन द स्काई आकाश में, एंड लैंडेड और जमीन पर गिराया, गिरा एडमिट्स मीन्स बीच में, द बूसे झाड़ियों के, गेंद जो था वो ऊपर गया, ऊंचाई पर ऊपर गया या ऊपर गया, आकाश में ऊपर गया और झाड़ियों के बीच गिरा। गेंद जो था वो ऊपर गया और आकाश में, मतलब गेंद आकाश में ऊपर गया और झाड़ियों के बीच गिरा। नेहा रैन एंड ब्राट इट बैक, नेहा रैन मीन्स दौड़ी एंड और ब्राट मीन्स लाई, इट बैक इसे वापस, नेहा दौड़ी और इसे वापस लाई। लुक हेयर, सम पीपल आर सिटिंग ऑन द बेंचेज एंड चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हेयर, गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये जो गार्डनर है, माली है, सिंचाई कर रहा है पौधों को, प्लांटिंग पौधों को क्या कर रहा है, सींच रहा है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ दे प्लेड फॉर सम टाइम, दे मीन्स वे, प्लेड मीन्स खेले, फॉर के लिए, सम टाइम कुछ समय, वे कुछ समय के लिए खेले। दे प्लेड फॉर सम टाइम, वे कुछ समय के लिए खेले, या अभी कह सकते हैं वे कुछ समय तक खेले। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड दे वेयर आल वेरी टायर्ड, इट वॉज था, गेटिंग मीन्स हो रहा, डार्क मीन्स अंधेरा, अंधेरा हो रहा था, एंड और दे वेयर, वे थे आल, सभी वेरी टायर्ड, बहुत थके हुए, अंधेरा हो रहा था और वे सभी बहुत थके हुए थे या थक गए थे। लेट्स गो बैक, लेट्स अस मीन्स हमें, गो मीन्स जाना, बैक में वापस, यानी कि हमें वापस जाना, चलो वापस चलते हैं, ऐसे हो सकता है, लेट्स गो बैक, चलो वापस चलते हैं। सैड नेहा, सैड मीन्स कही, नेहा मीन्स नेहा ने, एंड दे और वे, आल सभी, वेंट बैक वापस चले गए, वापस गए, नेहा ने कहा और वे सभी वापस चले गए। डिड यू इंजॉय इन द गार्डन, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, क्या तुमने, इंजॉय मीन्स आनंद लिया, मजा लिया, इन द गार्डन बागीचे में, क्या तुमने बागीचे में मजा किया या मजा लिया। निखिल्स मदर आस्क्ड, निखिल्स मदर मीन्स निखिल की माँ, माता ने आस्क्ड मीन्स पूछा, निखिल की माता ने पूछा, डिड यू इंजॉय इन द गार्डन, या तुमने बागीचे में मजा किया या मजा लिया, आनंद लिया। यस, हाँ, वी डिड, हाँ हमने किया, मतलब कि हमने आनंद लिया। निखिल सैड, निखिल ने कहा, निखिल ने क्या कहा, यस वी डिड, हाँ हमने किया। वी हैड ए लॉट ऑफ फन, वी मीन्स हम, हैड ए लॉट बहुत अधिक, ऑफ फन आनंद, यानी कि हमने बहुत अधिक आनंद लिया या बहुत अधिक मजा किया। गुड, अच्छा। नाउ गो टू योर स्टडी रूम एंड स्टडी, नाउ मीन्स अब, गो टू योर, जाओ, योर मीन्स अपने, स्टडी रूम मीन्स अध्ययन कक्ष में, एंड और स्टडी पढ़ो, पढ़ाई करो। नाउ गो टू योर स्टडी रूम, अब तुम, नाउ गो टू योर स्टडी रूम, अब अपने अध्ययन कक्ष में जाओ, एंड स्टडी और अध्ययन करो या पढ़ो। बोथ निखिल एंड नेहा वेंट टू देयर स्टडी रूम,
बोथ मीन्स दोनों, निखिल एंड नेहा, निखिल और नेहा वेंट मीन्स गए टू देयर स्टडी रूम, अपने अध्ययन कक्ष में, दो निखिल और नेहा दोनों अपने अध्ययन कक्ष में गए। वंस मोर, बटरफ्लाई वेयर फ्लाइंग अराउंड देम, तितलियां उनके चारों तरफ उड़ रही थी। वाव हाउ ब्यूटीफुल सेड नेहा, नेहा ने कहा वाह कितना सुंदर। देयर वेयर सम बेंचेज इन ए कार्नर, देयर वेयर मीन्स थे सम बेंचेज, कुछ बेंच इन ए कार्नर कोने में, कोने में कुछ बेंचे थी। सम पीपल वेयर सीटिंग ऑन देम, कुछ लोग उन पर बैठे हुए थे। सम पीपल वेयर सीटिंग ऑन देम, कुछ लोग उन पर बैठे हुए थे। सम चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग, सम चिल्ड्रेन मीन्स कुछ बच्चे, वेयर थे प्लेइंग मीन्स खेल रहे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। सम वुमेन वेयर सीटिंग ऑन द ग्रास एंड टॉकिंग, कुछ जो औरतें थी वे घास पर बैठी हुई थी और टॉकिंग कर रही थी, यानी कि बातचीत कर रही थी। द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट, गार्डनर मीन्स माली, वाज वाटरिंग सींच रहा था द प्लांट पौधों को, माली जो था वह पौधों को सींच रहा था। कम वी विल प्ले विथ आवर बाल, निखिल सैड, कम मीन्स आओ, वी विल प्ले हम खेलेंगे, विथ आवर बाल अपने गेंद के साथ, निखिल सैड निखिल ने कहा, निखिल ने कहा कम वी विल प्ले विथ आवर बाल, आओ हम अपने गेंद के साथ खेलेंगे या गेंद से खेलेंगे। ही किक्ड द बाल हार्ड, उसने मीन्स वह, किक्ड मीन्स लात मारा, द बाल गेंद को हार्ड जोरों से, उसने जोरों से गेंद को लात मारा। द बाल वेंट फार अवे, बाल मीन्स गेंद, वेंट गया फार अवे बहुत दूर, गेंद जो था बहुत दूर गया। नाउ इट वाज रोहन टर्न, नाउ मीन्स अब इट वाज था रोहन टर्न, रोहन की बारी, इस बार अब रोहन की बारी थी। ही किक्ड द बाल, ही मीन्स वह, किक्ड मीन्स लात मारा द बाल गेंद को, यानी कि वह गेंद को लात मारा या उसने गेंद को लात मारा। द बाल वेंट हाई अप इन द स्काई एंड लैंडेड एमिट्स द बूसेज, द बाल मीन्स गेंद वेंट हाई, गया हाई मीन्स ऊंचाई पर, ऊपर, अप मीन्स ऊपर, इन द स्काई आकाश में, गेंद आकाश में ऊपर गया। एंड लैंडेड एमिट्स द बूसेज, और झाड़ियों के बीच में गिरा। नेहा रैन एंड ब्राट इट बैक, नेहा रैन मीन्स दौड़ी, एंड ब्राट और लाई इट बैक, इसे वापस, नेहा दौड़ी और इसे वापस लाई, किसे, बाल को। दे प्लेड फॉर सम टाइम, वे प्लेड मीन्स खेले फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, वे कुछ समय के लिए खेले या कुछ समय तक खेले। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड दे वेयर ऑल वेरी टायर्ड, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, एंड दे और वे वेयर थे ऑल वेरी टायर्ड, सभी बहुत थक गए थे, यानी कि अंधेरा हो रहा था और वे सभी बहुत थके हुए थे या थक गए थे। लेट्स गो बैक, चलो वापस चलते हैं, सैड नेहा, नेहा ने कहा। एंड दे ऑल वेंट बैक, एंड दे और वे ऑल सभी वेंट गए, बैक मीन्स वापस, और वे सभी वापस गए या वापस चले गए। Did you enjoy in the garden? Did you means क्या तुम enjoy means आनंद लिए, in the garden बागीचे में, क्या तुम बागीचे में आनंद लिए। Nikhil's mother asked, Nikhil's mother means निखिल की माता, asked means पूछी, निखिल की माता पूछी, Did you enjoy in the garden? क्या तुम बागीचे में मजा किए, आनंद लिए। Yes, we did, निखिल said. Yes means हाँ, we did, हमने किया, निखिल said, निखिल ने कहा yes हाँ, we did, हमने किया, मतलब कि हमने आनंद लिया। We had a lot of fun, हमने बहुत अधिक आनंद लिया, बहुत अधिक मजा किया। Good, अच्छा। Now go to your study room and study, now means अब, go जाओ to your अपने study room अध्ययन कक्ष में, अब अपने अध्ययन कक्ष में जाओ, एंड और स्टडी मीन्स अध्ययन करो। नाउ गो टू योर स्टडी रूम, अब अपने अध्ययन कक्ष में जाओ, एंड स्टडी और अध्ययन करो, पढ़ाई करो।
बोथ निखिल एंड नेहा वेंट टू देयर स्टडी रूम. बोथ मीन्स दोनों, निखिल एंड नेहा, निखिल और नेहा, वेंट मीन्स गए, टू देयर स्टडी रूम, कहाँ पर, अपने स्टडी रूम में यानी कि अध्ययन कक्ष में. निखिल और नेहा अपने अध्ययन कक्ष में, निखिल और नेहा दोनों अपने अध्ययन कक्ष में गए. सो स्टूडेंट, ये स्टोरी या ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.